राज्य सरकार चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसके तहत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1500 नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1455 नर्सों और ANM का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड के अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इससे पहाड़ों की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू करने में मदद मिलेगी। कई डॉक्टर पहाड़ों में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनके आवेदन आ गए हैं। जो अभी नर्सेस हैं, नर्सेस की तैनाती जो है लगभग 1500 नर्सेस के तैनाती तो हुई अभी हाल ही में हुई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिला। इसी के तर्ज पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1455 नर्सेस की अभी रिजल्ट जल्दी निकलने वाली है। ANM की भी अभी निकलने वाली है। तो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो वह चार मैन पावर है, इनको बढ़ाने पे खासा जोर दे रहा है। और अभी हमने डॉक्टर्स के लिए भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए रिटायरमेंट जो एज है वो 65 हम लोगों ने अभी कर दिया है। हालांकि वो 60 पे रिटायर होंगे, लेकिन उनका जो है हम लोग उनकी सेवाएं हम लोग 65 तक हम लोग